गुड मॉर्निंग एस्पेरेंट्स, आज हम 11 जुलाई 2020 की न्यूज़ कवर करेंगे। इसमें द हिंदू न्यूज़ की जो इम्पोर्टेंट न्यूज होंगी फ्रंट पेज से, उन सारियों को कवर करेंगे हम। तो आज जो फ्रंट पेज पर न्यूज़ आई है कि दुबे शॉट डेड इन एक्सचेंज ऑफ फायर, ये आपको मतलब बहुत ज़्यादा वायरल न्यूज़ है, ये तो आप सबको पता ही होगा। इसमें जो पुलिस वगैरह का कुछ हुआ है वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, बट इसमें जो एक टर्म है स्पेशल टास्क फोर्स, उसके बारे में जानना हमारे ज़रूरी है। सॉरी, स्पेशल टास्क फोर्स कैसा टास्क फोर्स होता है, कब आया था और मतलब किस चीज़ के लिए पर्पज़ से बनाया जाता है, तो ये हम देख लेते हैं इस टाइम। देखिए, इंडिया में हर एक स्टेट के पास पावर है कि वो अपना स्पेशल टास्क फोर्स कंडक्ट करे या बनाए, ठीक है, किसी सर्टेन प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग। दे आर प्राइमली फॉर्मेट ड्यू टू द लैक ऑफ एडिक्वेट पुलिस फोर्स, यानी कि पुलिस फोर्स कम होने के कारण इन चीज़ों को मतलब ऐसे स्पेशल टास्क फोर्स बनाए जाते हैं कि क्रिमिनल नेटवर्क और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए। द स्टेट ऑफ तमिलनाडु और कर्नाटका फर्स्ट रेज द स्पेशल टास्क फोर्स। आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि स्पेशल टास्क फोर्स सबसे पहले किसने किया था, तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि आंध्र प्रदेश ने या मध्य प्रदेश ने, ऐसे करके आ सकता है। और बट जो सही है वो है तमिलनाडु और कर्नाटका, फर्स्ट रेज स्पेशल टास्क फोर्स इन 1980। पता है किसको करने के लिए, किसको पकड़ने के लिए? वीरप्पन डाकू था, बहुत ही उसका भी नाम है वीरप्पन का, वो हाथियों के दांतों को तस्करी करता था वो। 1980 बनाया गया था ये वाला स्पेशल टास्क फोर्स, और 2004 में उसको पकड़ा गया था कोकून, ऑपरेशन कोकून के द्वारा। पहला जो टास्क हुआ था वो ऑपरेशन कोकून के नाम से हुआ था, ठीक है। ये तो गया इसके बारे में। अब आते हैं, वैसे देखने वाली बात ये है कि दुबे शॉट डेड इन एक्सचेंज ऑफ फायर, पता नहीं ये पुलिस भी क्या चीज़ बनाती है, कैसी कैसी कहानी बनाती है। मतलब इतना मतलब वो ड्राइवर था वो इतना चला के आया था, गाड़ी के टायर्ड हो गया और उसका आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, मतलब कंट्रोल खो दिया उसने और गाड़ी पलट गई। क्या क्या, अब कुछ नहीं, जाने दो इसे। देखिए, इसमें ये न्यूज़ है, 15-20% इन दिल्ली हैव एंटीबॉडीज सेरो सर्वे, यानी कि सेरोलॉजिकल सर्वे हमें जानना ज़रूरी है। सेरोलॉजिकल सर्वे है क्या वास्तव में? सेरोलॉजिकल सर्वे अगर बात करें तो ये एक ब्लड टेस्ट होता है और डिटेक्ट करने के लिए कि आदमी के अंदर एंटीबॉडीज किस प्रकार की हैं, कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके अंदर इंडक्ट हुआ है वो उसको हरा सकती है कि नहीं हरा सकती, इसी के लिए टेस्ट किया जाता है। आ सेरोलॉजिकल टेस्ट कैन डिटरमाइन वेदर अ पर्सन हैज़ बीन एक्सपोज टू अ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या वो उससे लड़ने के लिए सक्षम है या नहीं, इसको देखने के लिए देखा जाता है। और नहीं होता है तो उसको इंजेक्ट कराया जाता है जिससे कि वो लड़ सके, इम्यून सिस्टम उनका बेटर कराया जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम, जो नोट न्यूज़ चल रही है हमारे बॉर्डर पर, इंडिया चाइना बॉर्डर पर, कि अब तो मतलब डिसएंगेजमेंट के लिए अब दोनों फोर्सेस ने मान लिया है। चाइनीज ट्रूप्स मूव बैक, चाइनीज ट्रूप्स हैव रिमूव देयर टेंट्स एंड फुल्ली मूव बैक फ्रॉम द फेस ऑफ फिंगर 4 टू फिंगर 5, यानी कि जो चाइनीज ट्रूप्स थे वो फिंगर 4 से फिंगर 5 की तरफ मूव कर चुके हैं कम्प्लीटली। उन्होंने वहाँ से टेंट वगैरह बिल्कुल, जो उन्होंने वहाँ पर कब्जा कर रखा था, बिल्कुल छोड़ दिया है। पोंगतोंगसो लेक लद्दाख, ईस्टर्न में जो लद्दाख है ना, उस साइड में जो फिंगर 4 और मतलब जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं फिंगर्स इन द लेक, वहाँ पर जो फिंगर 4 है, फिंगर 4 को छोड़कर जहाँ पर उन्होंने कब्जा कर रखा था वो छोड़कर पीछे जा चुके हैं, ठीक है। अब ये जो बात हुई है, टॉक्स हुई हैं इनकी, हुई है वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन WMCC के अंतर्गत, तो अभी हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि WMCC है क्या। WMCC हैज इस्टेब्लिश्ड इन 2012 एज एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया, कि ये 2012 में बनाई गई थी और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है कि मतलब कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए और किसी चीज़ के कंसल्ट करने के लिए इंडिया के अंदर, इंडिया के और चाइना के बॉर्डर के एरियाज के अंतर्गत, एज वेल एज ऑफ एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ एंड स्ट्रेंथनिंग कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन। मतलब इसका काम क्या है कि बातचीत कराना है और दोनों फोर्सेस हैं उनके बीच में कोऑपरेशन कंडक्ट कराना है, कोऑपरेशन मेंटेन करना है, इंक्लूडिंग बिटवीन द बॉर्डर सिक्योरिटी पर्सनल ऑफ टू साइड्स, दोनों तरफ की जो फौज है पर्सनल हैं उनके दोनों साइड्स को कोऑपरेशन मेंटेन करना है उनके बीच, और कंपोजिशन क्या है इसका,
कंपोजिशन जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, यही क्वेश्चन में आ सकता है, यहीं से क्वेश्चन बन सकता है। इट इज़ हेडेड बाय जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिशियल, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिशियल्स होते हैं दोनों तरफ से, वही इसमें हेड होते हैं। दे आर इंटरेस्टेड टू हेल्प द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर बाउंड्री टॉक्स, और ये बाउंड्री टॉक्स के ऊपर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं। अब पोजिशन करंटली हेल्ड बाई NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के अंतर्गत, वो के पास है ये करंटली पोजिशन ये इंडिया में। अब आते हैं आज की और कौन सी न्यूज़ है, न्यूज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है ये कि 14% एक्सेस रेन इन इंडिया सो फार दिस मानसून, यानी कि इस साल जो बारिश होगी वो उसमें 14% बढ़ोतरी है मानसून में। हमारे लिए इसमें जानना ज़रूरी है कि IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज एन एजेंसी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। नोटिस करने वाली बात ये है कि जो बता रहा हूँ जो मेन चीज़ है वो है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आती है IMD। एक दिमाग में एक चीज़ टैग करनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस MOES, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज़ द प्रिंसिपल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, जो मेट्रोलॉजिकल मतलब मेट्रोलॉजिकल का ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड मेट्रोलॉजिकल मतलब क्या होता है, यानी कि मौसम से संबंधित सारी चीज़ें, वेदर फॉरकास्टिंग और सीस्मोलॉजी, सीस्मोलॉजी यानी कि भूकंप वगैरह, और वेदर फॉरकास्टिंग यानी कि मौसम का प्रिडिक्ट करना कैसा रहेगा, ये काम दोनों इसी के हैं IMD के। IMD इज़ हेडक्वार्टर्ड इन दिल्ली, IMD दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और एंड ऑपरेट्स हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टेशन अक्रॉस इंडिया एंड अंटार्कटिका, ये मतलब वेरियस ऑब्जर्वेशन करता रहता है इंडिया और अंटार्कटिका के रीजन में। ऑफिस इसके रीजनल ऑफिस हैं, हेडक्वार्टर तो दिल्ली में है, जो रीजनल ऑफिस हैं वो मुंबई, नागपुर, पुणे और कोलकाता, ये चार जगहों पर हैं। IMD इज ऑल्सो वन ऑफ द 6 स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल WMO का एक, 6 में से एक रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर है, ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। MKNP इसको याद रखना, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, पुणे, ठीक है। इट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फॉरकास्टिंग, नेमिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वार्निंग्स फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का नेमिंग वगैरह करता है और उनको फॉरकास्ट करता है, पहले से पता करता है, जो कि मलक्का स्ट्रेट्स और बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ वगैरह में आते रहते हैं। ये फॉर्मेट हुआ था 1875 में। IMD लॉन्चेस सिस्टम ऑफ एरोसोल मॉनिटरिंग, एंड इसने एक सिस्टम भी लॉन्च किया था समर के नाम से, सिस्टम ऑफ एरोसोल मॉनिटरिंग एंड रिसर्च, जनवरी 2016 में, टू स्टडी द कंसंट्रेशन ऑफ ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन मेन चीज़ क्या है, ब्लैक कार्बन और रेडिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एरोसोल, एरोसोल की जो रेडिएटिव प्रॉपर्टी है उसको डिटेक्ट करने के लिए, मतलब उसके बारे में स्टडी करने के लिए, और ब्लैक कार्बन की स्टडी करने के लिए ये 2016 में बनाया गया था समर, सिस्टम ऑफ एरोसोल मॉनिटरिंग एंड रिसर्च, सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग एंड एरोसोल रिसर्च, एरोसोल मॉनिटरिंग एंड रिसर्च। IMD कोलैबोरेट्स विद अदर एजेंसी सच एज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, यानी कि IITM, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ NIOT, इन सभी के साथ ये मतलब कोलैबोरेट करता है, ठीक है। ये हो गई IMD के बारे में। अब आते हैं और फ्रंट न्यूज से, फ्रंट पेपर से, फ्रंट पेज से और क्या न्यूज़ देखते हैं। इसकी हेडलाइन, सोलर एनर्जी विल प्ले बिग रोल इन आत्मनिर्भर भारत, मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया है मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट का एक पावर प्रोजेक्ट रेवा डिस्ट्रिक्ट में किया है। मध्य प्रदेश ही हैड सेड वी वुड नॉट एबल टू यूज सोलर पावर एंटायरली अनलेस वी हैव विद इन द कंट्री इम्प्रूव्ड सोलर पैनल्स, जब तक हमारे पास इम्प्रूव्ड सोलर पैनल्स नहीं आ जाते तब तक हम उसकी क्वालिटी को नहीं बढ़ा सकते हैं और ना उसके ज़्यादा यूज कर सकते हैं। हमारे पास बेस्ट क्वालिटी स्टोरेज होनी चाहिए और पैनल होने चाहिए और बैटरीज होनी चाहिए जो कि ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकें, जिससे कि ये कंजप्ट ज़्यादा तरीके से कराया जा सके सोलर एनर्जी। और ये कहा प्रधानमंत्री जी ने कि 21st सेंचुरी का ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीडियम है एनर्जी का, ठीक है। मेरा बताना ये ज़रूरी था कि मध्य प्रदेश में एक तो ये किया है और
हमें अच्छी क्वालिटी के सोलर पैनल चाहिए।